हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ ऑटोकैड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, और हमें पता नहीं होता उनके बारे में। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे अकॉर्डिंग पर्ज कमांड है। अब आप बोलोगे, सर पर्ज कमांड क्या होता है, आप सुने नहीं रहते हो और इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, उसका यूज कैसे करना है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज यू हैव अ रेक्टेंगल, ओके, एंड आप इस फाइल को आप देखते हो, मतलब सपोज ये मान लीजिए बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट कितने एमबी का है, 4 MB का है, 4 MB। एंड आप जैसे ही इसको खोलते हो, पूरा सिस्टम आपका हैंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि इस फाइल बहुत ही बड़ी हैवी हो जाती है। इसे पता नहीं कितने लेयर्स होते हैं, पता नहीं कितने लाइन टाइप्स होते हैं, पता नहीं कितनी अलग अलग तरह की चीजें होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो फालतू की होती है? फालतू बोले तो जैसे कि हमने कुछ लेयर्स बनाया, तो उन लेयर्स पे यूज कुछ भी नहीं किया है, उस लेयर के नाम दिया है, अब फाइल बढ़ रही है। कुछ लाइन टाइप बनाए हमने, बट उनके हमने यूज नहीं किए, वो भी फालतू के लिए है। तो उनको अगर हमको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, सपोज चलिए मैं थोड़े से लाइन टाइप बना देता हूँ। एक तो जैसे हमने अभी लाइन टाइप लिया, यहाँ से लोड किया, और यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन टाइप हमने ले लिया और ओके किया, और उसके बाद जैसे इसको ओके करके ओके किया। अब देखिए, हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन टाइप हो गया ना, बट क्या हमने उसको इस प्रोजेक्ट में यूज किया है? क्या नहीं यूज किया है? लेकिन आप जब फाइल एमबी में कैलकुलेट करोगे, उसका साइज देखोगे, तो ये भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो अगर इस तरीके के एक्स्ट्रा अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करेंगे वो हमें देखना है। उसके लिए दोस्तों हम लोग पर्ज कमांड यूज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पर्ज कमांड है, PU इंटर करेंगे, आपको पर्ज कमांड आ जाएगी, और जैसे क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको क्या डिलीट करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी डायमेंशन अगर एक्स्ट्रा हमने कर रखा है तो डायमेंशन को डिलीट कर दीजिए। अभी हमने लाइन टाइप को ज़्यादा एक्स्ट्रा किया, लाइन टाइप कर दीजिए। अभी हमने शेप को अगर किया तो शेप कर दीजिए। जो भी हमने एक्स्ट्रा किया है, ब्लॉक एक्स्ट्रा बना के रखा है, यूज नहीं किया तो उसको डिलीट कर दीजिए। चलिए, हमने इसके लाइन टाइप को लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अभी हमने यही को किया है, पर्च कर दिया, और ऑल आइटम्स कर दीजिए, जिससे कि जो भी बचा होगा सब चला जाएगा, और ओके कर दिया। जैसे हमने पर्च किया, देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो लाइन टाइप है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है लाइन टाइप के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ पर्च कमांड, यू कैन से फॉर रिमूव द अनवांटेड फाइल्स वी यूज द पर्च कमांड। ओके, सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे कि हमने एक सर्किल या एक रेक्टेंगल फिर से बना लिया हमने, और उसके बाद हम लोग ऐसे चलते रहते हैं और यहाँ पे एक डबल लाइन खींच दिया यहाँ से यहाँ, तो प्लानिंग कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमने इसको ऐसे खींचा और ये खींच के फिर इसके ऊपर कर दिया हमने। ये देखिए, ओवरलैप हो गया, यहाँ पे भी ओवरलैप है, यहाँ पे भी ओवरलैप है, और यहाँ पे भी ओवरलैप है, यहाँ पे ओवरलैप है। तो इस तरीके की आपकी प्लानिंग जो है, उस प्लानिंग में बहुत ज्यादा ओवरलैप हो सकता है। अब ओवरलैप की वजह से आपका साइज तो बढ़ता ही है, प्लस क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग लॉ गलत होता है। क्यों गलत होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो आप आसियाँ रखिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ओवर किल कमांड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओवर किल कमांड लीजिए। ओवर किल मतलब जो भी एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देने का। और ये लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया सबको और इंटर कर दिया। अब बोलो इनसे कि क्या ओवर मतलब क्या है, ज्यादा है आपका, तो आपका लाइन टाइप ज्यादा है ना, मतलब लाइन टाइप एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है ना, और इसको क्लिक करके ओके कर दो। यहाँ पे लाइन वेट भी कर सकते हो, लाइन स्केल भी कर सकते हो, अगर लेयर है तो लेयर भी कर सकते हो, और करके ओके कर दिया। और जब इसको जाके क्लिक करोगे तो एक लाइन हो चुकी है। देखिए, कहीं पे भी डबल लाइन दिख रही है क्या? सिर्फ ये रेक्टेंगल है, जो क्योंकि रेक्टेंगल था तो इसलिए रहेगा, अदरवाइज कोई भी लाइन आपकी डबल नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ओवर किल कमांड पूरे प्लानिंग में कर दीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा जो अनवांटेड फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे ओवर किल कमांड से। इसके बाद मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे कि अगर यहाँ पे बाई लेयर्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने मान लीजिए बाई लेयर का हमने लाइन का थिकनेस ले लिया यहाँ से, और लेने के बाद यहाँ से थिकनेस लेने के बाद यहाँ पर सर्किल पर क्लिक किया और ये देखा, तो देखिए यहाँ पर थिकनेस तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर आप बोलते हो कि लाइन में आएगा, तो आप लाइन में भी देखिए यहाँ पर थिकनेस तो दिख नहीं रहा है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ थिकनेस जो नहीं दिख रहा है?
सो फॉर दैट ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे कमांड होती है जिसका नाम है लाइन वेट. व्हेन यू क्लिक ऑन लाइन वेट यू कैन सी योर थिकनेस आर विजिबल्स. अब अगर आप कुछ भी बनाते हो तो योर थिकनेस विल बी इंक्रीज. तो आपको लाइन वेट का जो यूज है वो समझ में आ गया होगा. लाइन वेट से हम लोग कोई भी थिकनेस है तब इसी तभी शो करेगा जब इसको हम ऑन करके रखेंगे. सेम थिंग विद देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी रखा है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो तभी काम करेगी जब आप इसको ऑन करके रखोगे. तो इसको आप हमेशा याद रखना. इसके अलावा बहुत से लड़के कन्फ्यूज होते हैं. लाइक एक कमांड होती है जिसका नाम है ऑर्थो. ऑर्थो तो लगभग सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को ले जाने का काम करता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमांड होती है जिसका नाम है पोलर ट्रैकिंग. पोलर ट्रैकिंग ऑन नहीं है तो ये है. यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग होता है जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोलर ट्रैकिंग. अब देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या है, F10 है. तो पोलर ट्रैकिंग का यूज क्या है, पोलर ट्रैकिंग से हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हैं. मतलब कि किसी एंगल पे अगर आपने कर दिया यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग 45 का, और अगर आपने ऑर्थो को ऑफ कर दिया, ऑलरेडी ऑफ हो जाता है. अगर पोलर ट्रैकिंग ऑन किया तो ये ऑफ हो जाएगा, और इसको ऑन किया तो ये ऑफ हो जाएगा. देखिए इसको ऑन किया ये ऑफ हो गया. तो अब पोलर ट्रैकिंग जो है ये क्या करता है, लाइन लिया और लाइन लेके हमने यहाँ पे जब से क्लिक किया देखो एक जीरो पे दिखाएगा. अब जैसे तुम 45 के पास पहुंचोगे देखो 45 पे पहुंचा क्या हो रहा है, पोलर ट्रैकिंग ने एक ग्रीन कलर की लाइन दे दी ना, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन. अब देखो फिर से पोलर ट्रैकिंग ने दे दिया किस पे, 135 पे. अगर यहाँ देखोगे उसका एक और सेटिंग होगी, देखो यहाँ पे एक सेटिंग है उसकी 90 पे. बीच में कोई है क्या, हाँ बीच में भी है किस पे, 45 45 90 135 पे आप परपेंडिकुलर लाइंस खींच सकते हो. तो इसलिए ग्रीन सिग्नल आपको देता रहेगा ये. सो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक आप परपेंडिकुलर लाइंस खींच के रख सकते हो. ओके, तो हम लोग इस तरीके से पोलर ट्रैकिंग को यूज करके अच्छे तरीके से लाइंस कमांड को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे. और पोलर ट्रैकिंग की और अगर बात करें तो पोलर ट्रैकिंग का आप एंगल भी चेंज कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे 30 60 90 120 कर दिया, तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से क्लिक करके ऐसे, अब देखेंगे यहाँ पे 30 पे आपको क्लिक करेगा. ठीक है, और यहाँ पे आप जब 30 से और ऊपर जाएंगे तो ये 30 तो हो गया. तो अब देखिए 60 पे आपको क्लिक करके दे रहा है कि 60 पे एंगल ये होगा. मतलब जो भी वहाँ पे आपने एंगल सेट किया है 150, जो भी एंगल आप सेट किए रहेंगे उस पे ये आपको परपेंडिकुलर लाइन देता रहेगा. तो पोलर ट्रैकिंग बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको एंगल पे कोई चीज़ ड्रॉ करनी है. अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ पोलर ट्रैकिंग को. और पोलर ट्रैकिंग के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ लोग आइसोमेट्रिक बनाते हैं. तो 2 मिनट के लिए मैं आइसोमेट्रिक में चलता हूँ. तो आइसोमेट्रिक जब बनाते हैं लोग तो क्या करते हैं, मैंने देखा कि वो लोग लाइन खींचते हैं और लाइन खींच के समथिंग ऐसा करके, और फिर उसके बाद मैं जैसे गलती से बंद हो गया, मैंने F5 क्लिक करना था, F4 मैंने क्लिक कर दिया. क्योंकि F5 से क्या होता है आइसोमेट्रिक प्लेन को चेंज करते हैं, और F4 से क्या करते हैं बाहर आते हैं, मतलब कि सेव करके अपने ऑटोकैड को बंद करते हैं. तो गलती से मेरे से F4 क्लिक हो गया. तो जैसे कि हमने यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक क्लिक किया था, तो आइसोमेट्रिक जैसे क्लिक किया तो आइसोमेट्रिक के कुछ रूल्स हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी. तो आपको अगर देखना होगा तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा. अभी जो मुझे पढ़ाना है अभी इस टाइम पे वो ये है कि जैसे कि हमने, अब मैं अच्छे से F5 को क्लिक करूँगा. सपोज मैंने ऐसा कुछ क्लिक कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एनोटेट पे गए और यहाँ से डायमेंशन लिया, डायमेंशन में अलाइन वाला डायमेंशन लिया और क्लिक करके यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया. राइट, ये देखिए इसका कितना है, 14 इसकी डायमेंशन है. बट आपको क्या लगता है ये सही है, नहीं. क्यों, क्योंकि देखिए जो रेक्टेंगल है इसका फेस किधर है, इधर है, और इसका ये जो डायमेंशन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नीचे की ओर इसका फेस है. तो अगर आपको इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रूल ये गलत है. तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको ठीक करने के लिए, सेम प्लेन में लाने के लिए, तो इसको सेलेक्ट करिए. और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डायमेंशन के अंदर एक कमांड होती है जिसका नाम ऑब्लिक्यू है. तो बहुत कम लोगों को पता होता है इसलिए मैंने सोचा इसको डिस्कस करेंगे. ऑब्लिक्यू लेने के बाद क्लिक करके इस तरीके से जैसे आप जाएंगे
आपको F5 से, आपको पता है ना, फिर F5 से फेस चेंज करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए प्रॉपर हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा लाइन है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डायमेंशन भी आ गया। तो F5 का यूज करके हम उसी डायरेक्शन में प्रॉपर फेस को कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लोगों के पास डायमेंशन में ही अगर बात करें तो कई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसा कि कई लोगों को क्विक कमांड के बारे में नहीं पता होता है। क्विक कमांड क्या करता है? जैसे कि आपके पास एक सर्किल है, लाइक दिस, आपके पास तीन सर्किल है, यू वांट टू नो द रेडियस, आपको इन सर्कल्स का रेडियस चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करिए सबको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्विक कमांड है, क्विक क्विक कमांड लीजिए, और क्विक कमांड लेने के बाद राइट क्लिक करिए, और जैसे आपको यहाँ पे एक साथ सबका रेडियस चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन रेडियस, और रेडियस पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए इसका रेडियस कितना है, 7.2, और इसका कितना है, 6.5, इसका कितना है, 8.5। इस तरीके से आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ का रेडियस गेट कर सकते हो। इसके अलावा फिर से आप यहाँ पे जाइए और क्विक कमांड लीजिए, राइट क्लिक, और अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यूस कर दिया तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से 8:28, और इसके बाद यहाँ पे देखिए 21। तो अभी और भी बहुत सी चीज़ें इसमें क्विक में है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो को यहाँ पर ही हम लोग एंड करेंगे। अगर आपको चाहिए कि और मैं ऑटोकैड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँ तो नीचे कमेंट करिए, सर ऐसी ऐसी कमांड मुझे नहीं पता है, इस कमांड का क्या यूज होता है, या आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोकैड के कमांड से रिलेटेड, या कोई भी और भी, तो आप कमेंट करिए तो मैं उनको ही बताऊंगा। और क्या आपको और ज़्यादा ऑटोकैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे नीचे बताइए, और ये वीडियो कैसे लगा है इसके बारे में बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। कुछ लोगों ने बोला कि सर मुझे टेक्ला और ई टाइप्स के वीडियो बना के दीजिए, ऑफकोर्स यार बनाऊंगा, थोड़ा सा समय देना क्योंकि हम लोगों के पास ऑफिस भी होता है और बहुत काम भी रहता है, वो जैसे ही हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे तो हम उनको देख के तुरंत बना देंगे आपके लिए। और थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि एक एक करके काफ़ी डिमांड्स होते हैं, तो उनको एक एक करके ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये भी था तो मैंने इसलिए इसको बनाया। और चाहिए तो नीचे कम से कम 100 लाइक्स आप लोग दीजिए, तो 100 लाइक्स अगर आप देंगे तो मैं डेफिनेटली और ज़्यादा ऑटोकैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट आप क्या टॉपिक चाहते हो उसके लिए भी नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।